आपको हम ऐसा एक कीटनाशक के बारे में बताएंगे कि इस कीटनाशक को आप अपने सब्जियों पे या किसी भी पौधे पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको बताएंगे सारे कीड़ों का सफाया हो जाएगा। दोस्तों इसका रीजन है कि उसमें ऐसी स्मेल है कि उसके स्मेल से कीड़ा आपके पौधे पर लगने की बात दूर है, आपके खेत में आएगा नहीं, आपके पौधे पे बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक है। अब एक बार इसे बनाइए, बनाने के बाद इस्तेमाल करिए, इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दे, शेयर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे इस कीटनाशक को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको बताएं कि आपके घरों में ये सामग्री मिल जाएगी और बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगी, क्योंकि आप पर डे इस्तेमाल होता है किचन में। देखिए ये आप मेरे हाथ में ये अदरक है और एक टुकड़ा आपको लेना है इसमें अदरक, और उसके बाद आपको एक लेना है प्याज, और उसके बाद लेना है एक मीडियम साइज के लहसुन, और उसके बाद इसमें लेना है और आपको 3 से 4 मिर्च, हरा मिर्च आपको लेना है, ध्यान रहे। और इसको आपको इसमें रख दे रहे हैं और बारीकी से सबको इसमें आपको कट कर लेना है। दोस्तों आपको बताएं कि जो ये कीटनाशक बनकर तैयार होगा इसमें और एक चीज़ मिलाएंगे और उसका रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और इसको अब आप इस्तेमाल किए होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कीटनाशक का रिस्पांस कैसा आपको मिलता है। आपको बताएं कि ये अगर इसको इस्तेमाल करते हैं आप तो इसमें एक ऐसी स्मेल आती है कि उस स्मेल से जो कीड़ा आता कीड़ा आपके पौधे पर बिल्कुल नहीं आएगा। और एक बात और आप बता दें आप लोगों को कि बहुत ऐसे किसान हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जी लगाते हैं गमलों में लगाते हैं, तो वो लोग करते क्या हैं कि जब पौधे पे कीड़ा लग जाता है तब उसका ला के मार्केट से कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। ऐसा आप कभी नहीं करें। आपके पौधे पे कीड़ा लगा या ना लगा है, जो मैं कीटनाशक बना के आपको दे रहा हूँ इस कीटनाशक को आप करिए क्या कि आप इस्तेमाल करिए, पौधे पे बिल्कुल कीड़ा नहीं आएगा। 10 दिन पे 15 दिन पे एक बार आप इसे इस्तेमाल करिए। देखिए मैं मिर्च को और अदरक को कट कर लिया, अब लहसुन को हम कट कर ले रहे हैं, और आप हर 15 दिन पे 20 दिन पे एक बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो मैं बता दूं आपको कि आपके पौधे पे कीड़ों का प्रकोप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कीड़ा बिल्कुल नहीं आएगा। दोस्तों इसको हम कट कर लेते हैं लहसुन को भी, और लहसुन के साथ साथ जो प्याज है प्याज को भी कट कर लीजिए। और एक चीज़ आपको बता दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप छीलना ही है, आप इसको नहीं छीलिए, इस तरीके से कट कर लीजिए। और इस चारों आइटम को आपको करना ये है कि एक मिक्सर का जार ले लेना है और मिक्सर के जार में इसको आपको पीस लेना है, ये आपको ध्यान रहे। देखिए इसको हम डाल दे रहे हैं और इसको हम पीस लेते हैं। देखिए इसको मैंने पीस लिया, और पीसने के बाद आप हल्का इसको बारीक पीस लीजिएगा, बहुत चटनी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको पीसने के बाद एक काम ये करना है कि एक आपको ले लेना डब्बा, कोई से भी डब्बा ले लीजिए जो उस पर आपके पास ढक्कन हो, और इस डब्बे में इसको आप निकाल लीजिए। दोस्तों इसके बाद आपको बता दें कि ये जितना इसमें वेट है ये 50 ग्राम 100 ग्राम के करीब होगा ये, तो आपको बताएं कि इतना ही आपको वेट में आपको गुड़ इसमें मिक्स करना है। अगर ये आपने बनाया है 200 ग्राम तो आपको गुड़ लेना होगा 200 ग्राम, और अगर आपने बनाया है 500 ग्राम तो गुड़ लेना होगा 500 ग्राम, ये आपको ध्यान है। तो देखिए 100 ग्राम करीब है, 100 ग्राम मैंने गुड़ भी ले लिया है और इसमें हम गुड़ को मिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको ये करना है कि इसको अच्छे तरीके से आप इसमें मिक्स कर दीजिए। आपको बताएंगे जो इसका कीटनाशक बन के तैयार होगा, एक बार आप इसको बनाइए, बनाने के बाद आप इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप भूल जाएंगे मार्केट का कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल करने का, क्योंकि इसका इतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता है कि बार बार इसको आप यूज करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सभी प्रकार के कीड़ों पर ये कारगर साबित होता है। देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद एक काम करना है कि इसको आप ढक्कन से लगा के बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद इसको आप छाया जगह पर इसको आप रख दीजिए कम से कम 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह बाद आप इसे निकालिएगा, उसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे इसका रिस्पांस मिलता है।
दोस्तों देखिए पूरे एक सप्ताह बाद आपका स्वागत है। और ये देखिए, अब देखिए पूरे अच्छे तरीके से ये डिकम्पोज हो गया है। और इसको आपको करना क्या है, थोड़ा सा चम्मच से आप इसको मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये, अब इसको हमको करना ही है किसी बर्तन में इसको छान लेना है, या कोई अगर मोटी सूती कपड़ा मिल जाएगा मोटा वाला तो उससे भी इसको आप छान सकते हैं। तो हम छान लेते हैं इसको, आपको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। और इसको हम छान लेते हैं, आपको होता है कि बहुत ही बेहतरीन ये कीटनाशक बन के आपका तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको हाथों से आप इसे मैश कर दीजिए, सब निकल जाएगा। देखिए ये आपका बच गया, इसको आप बाहर फेंक दीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका कीटनाशक बनके तैयार हो गया। और इसको आपको बताएं कि इसको आप स्टोर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़े रिस्पांस मिलेगा। हम बताते हैं आपको कि इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है। एक लीटर आपको लेना है पानी, और एक लीटर पानी में इसको आपको 4 से 5 ml डालना है। देखिए ये 10 ml का है और हम इसमें 5 ml भर लेते हैं। बताएं आपको कि 5 ml से आपको अधिक नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये स्ट्रांग बन के तैयार हुआ है कीटनाशक। देखिए 5 ml ले लिया, और इसको हम एक ड्रॉप पानी में हम डाल लेते हैं। और इसको किसी भी पौधे पे आप छिड़काव कर सकते हैं, चाहे फूल वाला पौधा हो या आपको बताएं कि सब्जी वाला पौधे भी तो बहुत ही रामबाड़ी कीटनाशक ये आपका बन के तैयार है। और आपको बता दें कि किन किन चीज़ों पे काम करेगा इसको। अगर आपके पौधे में एफिड लगा है और आपके पौधे में बहुत शिकायत आती है कि जो चींटियाँ लगता है, इसको चींटियों पे और एफिड पे और जैसिड पे माइट पे करेंगे छिड़काव, तो आपको बताया कि आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर में इसका रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक ऐसी स्मेल मिलेगी कि अगर आपके पौधे पे कीड़ा भी नहीं लगा है तो इसको कीड़े न लगने से पहले ही आप इसको छिड़काव कर देते हैं तो आपको बताया कि आपके पौधे पर बिल्कुल कीड़ा नहीं है। क्योंकि इसमें एक ऐसी स्मेल है कि वो स्मेल कीड़े को बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई भी कीड़ा हो, बड़ा से बड़ा कीड़ा हो, कोई भी कीड़ा हो, इसको छिड़काव कर देंगे तो बिल्कुल आपके पौधे में नहीं लगेगा। और एक बात आपको हम बता दें कि बहुत किसान ऐसे हैं जो अपनी खेतों में जब कीड़ा लगता है उसके बाद में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके इसको बहुत बड़े लेवल पे आप बना लीजिए, बनाने के बाद इसको इस्तेमाल करिए। आपको बताएं कि आपके खेत में कीड़ा लगा है या नहीं लगा है, फिर भी आप इसे बनाइए। बनाने के बाद हर 10 दिन से 15 दिन के अंदर में एक बार इसको आप इस्तेमाल करिए। अगर कीड़े से जो आप समस्या आपको आती है बिल्कुल दूर हो जाए, चाहे बैंगन हो, टमाटर हो, मिर्च है, गोभी हो, इसमें इन सब चीज़ों का सीजन चल रहा है, इस कीटनाशक को बनाइए और बनाने के बाद इसको आप इस्तेमाल करिए। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि इलाज से बेहतर रोकथाम, पहले से आप इसे अगर स्प्रे कर देंगे तो आपकी समस्या कीड़ों की आएगी नहीं। तो ये आपको ध्यान रहे दोस्तों कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया बनाने के लिए, उस तरीके से आप बनाइए, उसका रिस्पांस लीजिए। और दोस्तों अगर ये आपको कीटनाशक अच्छा लगा होगा या रिस्पांस इसका बढ़िया मिलेगा तो आप कमेंट करके जरूर देखेंगे। दोस्तों आप कमेंट अगर नहीं करते हैं तो आपको बताएं कि और लोगों को पता नहीं चलता है कि ये कीटनाशक किन किन क्रॉप पे, किन किन फसल पे आपने इस्तेमाल किया, उसका रिजल्ट कैसा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट मेरा यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ज़रूर पहले आप इसे कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से और लोगों को पता चलेगा कि इस फसल में ये कीटनाशक काम किया है। क्योंकि आपको बताएं कि बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक बार इस्तेमाल करिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।